और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उन्होंने ऐसा कर दिखाया है जो आसान नहीं होता है। हमारे साथ दो पैरा एथलीट्स, स्टार्स ऑफ इंडिया, सुंदर सिंह गुर्जर एंड सुमित एंथिल। थैंक यू कि आप दोनों यहाँ पे आए हमसे मुलाकात करने के लिए। प्रश्न तो हमारे पास बहुत हैं, पर पहले पहले आपकी नहीं सुनेंगे हम, प्रधानमंत्री जी की सुनेंगे। हाँ। क्योंकि उन्होंने आपके बारे में, सुंदर जी के बारे में क्या कहा है, सुमित के बारे में भी कहेंगे जब आप एशियन गेम्स में हमारे मेडल लाएंगे, पर अभी सुंदर जी के बारे में क्या कहा है वो आप पहले सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए। हाँ। सुनिए। सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता है। मैं एकता भ्याण जी, योगेश कठुनिया जी और सुंदर सिंह जी, आप सभी के हौसले और जज्बे को सलाम करता हूं, बधाई देता हूं। आप और आगे बढ़ें, खेलते रहें, खिलते रहें। अमेजिंग, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भी आपकी बात कर रहे हैं। एक बड़ा घिसा पिटा सवाल है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, कैसा लगा जब मन की बात में आपका नाम आया? मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जब पीएम अपने देश के प्रधानमंत्री जी अपना नाम ले रहे, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और आगे अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है कि मैं ओलंपिक मेडल लाऊं और फिर से मोदी जी मुझे बुलाएं एक बार। जब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ था, और आज प्रधानमंत्री जी की आवाज़, या आपने कभी सोचा था कि ऐसा होगा? नहीं सर, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं 2009 से गेम करता हूँ अपने कोच महावीर सैनी जी के नीचे, और 2015 तक मैं एवल बॉडी में खेलता था। मेरे कई नेशनल मेडल भी थे, लेकिन किसमें खेलते थे आप? एवल बॉडी में, जेवलिन थ्रो ही करता था, लेकिन जेवलिन एबल बॉडी में जी। 2015 में क्या हुआ? 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर मेरा हाथ कट गया। गाड़ी का था, बाइक का था? नहीं नहीं, अपना मकान का काम चल रहा था, उससे लोहे की चादर होती है वो गिर गई थी, तो उससे हाथ एक्सीडेंट हो गया। तो आपका एल्बो के बाद का पार्ट था, तो F46 जो होता है उसमें आप कंपीट करते हैं। जी जी जी। उधर क्या होता है बताएंगे जिनको पता नहीं है। F46 कैटेगरी होती है जो बाई हैंड डिसेबल होते हैं, तो वो F46 कैटेगरी। अच्छा, अब इसमें आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी सर। अब वो आपने कब करा था वर्ल्ड रिकॉर्ड? वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी 64-11 लगाया था, इसमें जो बैंगलोर IPC अप्रूव्ड चैंपियनशिप थी उसमें एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी था। ये तो अभी की बात? जी सर, अभी पिछले महीने। हाँ। ओके, तो आप अभी वर्ल्ड चैंपियन है, मतलब रिकॉर्ड होल्डर है? जी जी जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। वैसे सुंदर तो एथलीट रहे हैं और, लेकिन अगर हम सुमित की बात करें, सुमित आप 20 साल के हैं और पहले आपको एक्सपीरियंस भी नहीं था स्पोर्ट्स का, आपके साथ हुआ क्या, क्या हादसा हुआ और उसके बाद किस तरह से आपने खेलना शुरू किया? एक्चुअली मैम, 5 जनवरी 2015 को मैं ट्यूशन पढ़ के आ रहा था, शाम का टाइम था, 6:30 बजे। क्या पढ़ रहे थे आप? MBCOM 12th। तो उस टाइम मैं बाइक से आ रहा था, तो ट्रैक्टर वाले ने पीछे से टक्कर मार दी थी, तो उसमें पैर क्रश हो गया था बिल्कुल। तो फिर मेरे को सिविल हॉस्पिटल लेके गए, उधर से उन्होंने बेस हॉस्पिटल रेफर कर दिया क्योंकि फादर एयरफोर्स में थे, तो उधर मेरा इलाज हुआ था। फिर RR हॉस्पिटल में मेरी स्किन ग्राफ्टिंग हुई थी, और फिर उन्होंने दो तीन महीने के बाद मेरे को पुनः रेफर कर दिया था LC सेंटर में, जो आर्मी के अंडर है। लेकिन पैर नहीं बचा पाए? नहीं, पैर नहीं बचा पाए, बिलो नी आपकी एम्पुटेशन है। पर यू नो अंजलि, व्हाट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट हिम इज दैट सेवन मंथ्स बैक, बस 7 महीने हुए हैं आपको जैवलिन थ्रो करते हुए। तो कैसे शुरू कैसे किया, मतलब दिमाग में आया कहाँ से कि ये करें? एक्चुअली खेल के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया था मैंने। हाँ। तो फिर हमारे गांव में एक हुड्डा भाई साहब हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि तू पैरा गेम्स होते हैं उनमें ट्राई कर। तो फिर मैं भालगढ़ साई में जाने लगा, फिर उधर मेरी मुलाकात हुई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बता दूं लोगों को, नहीं पता काफी लोगों को, वीरेंद्र सर से मुलाकात हुई मेरी, उन्होंने मेरे को यहाँ पे दिल्ली भेज दिया आगे की ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं, मेरे जो कोच है मिसेज नितिन जायसवाल मैम, उनसे मिला, तो उनके अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी फिलहाल। बहुत बढ़िया। सुंदर, आपसे जानना चाहूंगी, नाउमीदित नहीं होगी थी क्योंकि आप एक सर्टेन लेवल पे थे ऑलरेडी एथलेटिक्स के, जब हादसा हुआ और वो भी घर के ही अंदर, तो कोई उस समय क्या हुआ? नहीं मैं मेरा सपना था कि मैं आर्मी के अंदर जाऊं, और मैं जेवलिन भी अच्छा मार रहा था, 72-73 जेवलिन मार रहा था, आर्मी में आराम से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन 2015 में मैं, संडे का दिन था, अपने जयपुर में था मैं, तो वो संडे के दिन एक मेरा करीब दोस्त था हिम्मत सिंह जी, तो मैं उसके साथ उसके घर पे चला गया। संडे का दिन था, छुट्टी का था, तो वो घर पे ले गया, तो वहाँ काम चल रहा था, उसके पापा मम्मी थोड़े बुढ़े थे, तो वो अपनी भैंसों को चादर डाल रहे थे, टीन बनाते हैं भैंसों को धूप से बचाने के लिए, तो वो चादर उतार रहा था, तो वो गिर गई थी, मेरे दोस्त के घर पर ही हादसा हुआ था। लेकिन मेरे घर वालों को तो जब पता चला था, तब रियो ओलंपिक से पहले अखबारों में आई थी कि सुंदर खेलेगा, और उन्होंने अखबार में फोटो देखी, तब पता चला कि ऐसा भी हो गया। मैं तब तक घर ही नहीं गया था 2015 से। आपने रियो को बताया नहीं? मैंने किसी, मेरे परिवार वालों किसी को नहीं बताया।
I'm speechless. But आपने रियो की बात करी, आप रियो में जब गए तो आप एक शॉर्ट शॉट मेडलिस्ट थे जी जी पैरालंपिक्स में, और फिर वहां पे जब कॉल आपका नाम कॉल आउट हुआ आप वहां थे नहीं जी। और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम, क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि आप क्यों नहीं थे वहां पे? सर ऐसा कुछ नहीं, मैं सर जेवलिन में बहुत तगड़ा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड 62.15 का था, मैं 72, 73, 70 के लगभग जेवलिन मार रहा था। हाँ, पर क्या हुआ था? लेकिन वो क्या है कि मेरा दिमाग था वो जेवलिन के ऊपर चल रहा था, और मैं वार्म अप वहीं कर रहा था जो अपना कॉल रूम था उसके गेट के सामने ही था, लेकिन वो था कि अपने देवेंद्र भाई साहब भी थे जेवलिन के, एक रिंकू उड़ा भी था, लेकिन वो थोड़ी एक साइड कर रहे थे, मैं थोड़ा दूर था, तो आपने सुना नहीं। जो कोच था अपने टीम कोच गया हुआ था दीपक भारद्वाज जी, उन्होंने मेरे को बोला भी नहीं एक बार कि आप अंदर जाओ, मेरा जेवलिन आपने सुना नहीं, उन्होंने ये अनफॉर्चुनेट था, लेकिन हम खुश हैं कि अब आप दोनों इस मुकाम पर पहुंच गए और एशियन गेम्स में आपसे बस मेडल बिल्कुल, और बेस्ट ऑफ लक, और एनडीटीवी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को कंग्रेचुलेशन कि आप इस मुकाम पर पहुंच गए, इंस्पिरेशन है आप लोगों को, शुक्रिया। थैंक यू।